नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गए हैं मैच नंबर 49 की प्लेइंग 11 लेकर। देखिए आईपीएल अब आगे आगे बढ़ने लगा है, कभी शुरुआत अभी थोड़े दिन ऐसा लगता है थोड़े दिन पहले ही शुरुआत हुई थी, लेकिन अब 49वें मैच तक हम आ गए हैं लगातार आगे बढ़ते बढ़ते। खैर ये मुकाबला CSK और RCB के बीच होगा, ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। ये मुकाबला हार और जीत जो है इस मुकाबले की, वो किसी टीम को आगे ले जाएगी किसी टीम को पीछे ले जाएगी, क्योंकि CSK आगे बढ़ना चाहेगी अब धोनी की कप्तानी में, RCB भी आगे बढ़ना चाहेगी अब क्योंकि लगातार RCB अब जीत रही है पिछला, तो ये सबसे बड़ी बात है। 10 पॉइंट RCB के हैं, RCB अगर यहाँ पर जीत गई तो 12 पॉइंट हो जाएंगे, तो वही CSK के 6 पॉइंट है। 9 मुकाबलों में CSK 3 जीती है, 6 हारी है, लेकिन CSK के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है, इसका रन रेट माइनस में है। CSK का रन रेट जो है वो CSK के लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी। मैं चाहता हूँ देखिए CSK में एक अब धोनी बदले हैं, कप्तान बदला है, तो मैं चाहता हूँ कि CSK में एक और खिलाड़ी बदले। एक खिलाड़ी अगर CSK में आ गया जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो CSK की टीम बहुत खतरनाक हो जाएगी। मतलब मैं ये कहता हूं कि IPL 2022 में सबसे खतरनाक एक गेंदबाज है जो CSK के पास बैठा है, बस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको पिछले मैच की बताऊंगा प्लेइंग 11, फटाफट अगले मैच में क्या बदलाव होने चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए ऋतुराज गायकवाड़, डेविड कोनवे, ये पिछले मुकाबले में थे, उथप्पा, रायडू, धोनी, जडेजा, सेंटनर, पिटोरियस, सिमरजीत सिंह, मुकेश चौधरी और ठिकसाना, ये पिछले मुकाबले की टीम थी। अब देखिए आपको ये दो बल्लेबाज जरूर याद होंगे ऋतुराज कोनवे, क्योंकि दोनों ने 180 रन के लगभग पार्टनरशिप की थी, तो ये दोनों तो इस मैच में भी इनके ऊपर ऋतुराज और कोनवे, इस मैच में भी इन दोनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अगर अब CSK को आगे जाना है तो CSK के इन दोनों बल्लेबाजों का चलना बेहद जरूरी है। देखिए हम एक बात हमेशा बोलते हैं कि मकान वो बेहतर होता है जिसकी नींव मजबूत होती है, और किसी भी टीम की नींव होती है उसकी ओपनिंग पार्टनरशिप। अगर ओपनिंग बढ़िया करती है तो निचले क्रम के बल्लेबाज बढ़िया करते हैं, रन ज़्यादा बनते हैं। ये आपने देखा पिछले मुकाबले में CSK ने किस तरीके से हैदराबाद के घातक गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी करी, उससे CSK की जीत का कारण क्या था, उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप। ओपनिंग ने इतना रन बना दिए कि निचले डाउन वाले बल्लेबाजों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसीलिए ओपनिंग का चलना बहुत ज़रूरी है। अगर CSK को ये मुकाबला जीतना है, CSK को ये टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है, तो ओपनिंग का चलना बेहद जरूरी है। उसके बाद में देखिए धोनी ने खुद को प्रमोट जरूर किया था, क्यों, उसके पीछे की वजह यह थी कि बल्लेबाज बहुत बचे हुए थे, रन बहुत बन चुके थे, इसलिए धोनी ने खुद को प्रमोट कर दिया। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि नंबर 3 पर उथप्पा ही आए, उथप्पा नंबर 3 पर उथप्पा आएंगे, अगर विकेट जल्दी नहीं गिरते हैं पिछले मुकाबले की तरह, तो धोनी आप नंबर 4 पर भेज सकते हैं, धोनी नंबर 4 पर भेज सकते हैं आप, धोनी के लिए बेहतर होगा नंबर 4 पर। उसके बाद में रायडू और फिर जडेजा, ये अगर एक बल्लेबाजी क्रम होगा मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतर होगा। ऋतुराज गायकवाड़, कोनवे, उथप्पा, धोनी, रायडू, जडेजा, ये एक बेहतर कॉम्बिनेशन होगा, एक बढ़िया क्रम हो जाएगा CSK की बल्लेबाजी का। देखिए अब सबसे बड़ी बात क्या है, CSK में मैं एक बदलाव चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा बदलाव CSK में मैं चाहता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात रफ्तार की हो रही है। IPL 2022 में हर टीम के पास रफ्तार वाले गेंदबाज हैं, हर टीम अपने उस गेंदबाज से विपक्षी बल्लेबाजों को डरा रही है। CSK क्यों नहीं डरा रही मेरे भैया, CSK के पास तो IPL 2022 का सबसे तेज गेंद फेंकने वाला गेंदबाज है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बैठा हुआ है, नाम है पथिराना, श्रीलंका का गेंदबाज है। तो मैं चाहता हूं कि सेंटनर की जगह आप पथिराना को ले आइए, पथिराना को ले आइए, क्योंकि CSK के पास अभी जो गेंदबाज हैं उनके पास रफ्तार नहीं है। एक गेंदबाज आपकी टीम में, आपके स्क्वाड में जरूर ऐसा होना चाहिए जिसके पास 150 की रफ्तार से गेंद फेंकने की ताकत हो, जिसके 4 ओवर एकदम तूफान की तरह हैं, जिसके 4 ओवर झेलने विपक्षी बल्लेबाजों को भारी पड़ जाएं, ऐसा एक गेंदबाज होना चाहिए, इनके पास पथिराना है। देखिए मैं सेंटनर को बाहर निकालने की बात क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा। बात सारी क्या है, देखिए सेंटिनल स्पिनर है आपको पता है, यहाँ पर महेश टिकसाना और जडेजा ये दोनों स्पिन डालते हैं। अब एक टीम में 3-3 स्पिनर, मुझे बात समझ में नहीं आती। टिकसाना भी विकेट टेकर है, जडेजा भी विकेट टेकर है, तो दो गेंदबाज अगर आपके पास स्पिनर हैं तो आप एक तीसरे को हटाकर एक तेज गेंदबाज अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, बहुत बेहतर होगा। इनके पास हैंगरेकर के पास भी स्पीड है, हैंगरेकर भी बेंच पर बैठा है और पथिराना भी बेंच पर बैठा है, तो मैं चाहता हूँ कि पथिराना को खिला लीजिए मेरे भाई,
वो डराएगा, वो अपनी बाउंसर से अपने एक्शन से बल्लेबाजों को परेशान करेगा, और उसके सामने मैं 100% कहता हूँ कि बल्लेबाज परेशान होंगे, वो विकेट चटकाएगा, उसका स्लिंगिंग एक्शन जो है ना वो बड़ा परेशान करेगा बल्लेबाजों को। मैं चाहता हूँ कि पथराना को मौका दिया जाए। उसके बाद में प्रिटोरियस तो यहाँ पर है ही है, प्रिटोरियस की गेंदबाजी अच्छी चल रही है, बढ़िया तरीके से विकेट भी चटका रहे हैं और बढ़िया गेंद भी डाल रहे हैं, और आखिर के ओवर में स्लो ओवर्स में प्रिटोरियस जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं वो चेन्नई के लिए बड़ी कारगर साबित हो रही है। चेन्नई की जीत में अहम योगदान प्रिटोरियस निभा सकते हैं। सिमरजीत सिंह, देखिए सिमरजीत सिंह ज़्यादा तजुर्बा नहीं है इस खिलाड़ी को, ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन धोनी के साथ खेलकर ये खिलाड़ी हीरा बनेगा, ये बात पक्की है। दो खिलाड़ियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़े बनने वाले हैं सीएसके में खेलने के बाद, सिमरजीत सिंह और मुकेश चौधरी। इन दोनों गेंदबाजों को धोनी आने वाले सालों का हीरा बना देंगे, बड़ा सितारा बना देंगे, ये आप याद रखना मेरी बात को। सिमरजीत सिंह बेहतर गेंदबाज है, बहुत सॉलिड। उसके बाद में मुकेश, तो खैर मुकेश ने तो दिल जीत लिया है, मुकेश ने दीपक चाहर की कमी नहीं खेलने दी है। दीपक चाहर की जिस तरीके से स्विंग गेंदबाजी थी, अंदर बाहर लाते थे, मुकेश चौधरी गेंदबाजी से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से प्रदर्शन मुकेश चौधरी का रहा है। उसके बाद में तिक्साना, देखिए बिल्कुल तीक्षणा ने अच्छी गेंदबाजी की है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, बहुत शानदार तरीके से विकेट भी तीक्षणा हर मैच में निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्लेइंग 11 में मैं चाहता हूँ कि एक बदलाव जरूर हो, सेंटनर को बाहर निकालकर आप पथिराना को ले आइए, सीएसके के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अब सीएसके जीत की पटरी पर आएगी। मुझे पता है धोनी अपना दिमाग लगाएंगे, सीएसके को मैच जिताएंगे और हो सकता है कि सीएसके को आगे ले जाएं, क्योंकि अभी भी सीएसके को 5 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबलों में से अगर 4 भी सीएसके जीत जाती है तो 8 अंक मिलेंगे, 6 उनके पास हैं, 14 अंक हो जाएंगे सीएसके के। अगर सीएसके उसमें रन रेट इजाफा कर लेती है, बेहतर कर सकती है, तो हो सकता है कि सीएसके पहुंच जाए, क्वालिफाइड कर जाए, लेकिन उसके लिए सीएसके को अपनी गेंदबाजी और घातक करनी पड़ेगी और पथिराना जैसे गेंदबाज को बेंच पर नहीं टीम में खिलाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप 3 स्पिनर को टीम में रखकर कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तीक्ष्णा भी हैं, जडेजा भी हैं, दोनों स्पिनर हैं, तो तीसरे स्पिनर को आप क्यों रख रहे हैं? तो एक तेज गेंदबाज को शामिल करके अपने प्लेइंग 11 में सीएसके बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक प्लेइंग 11 मेरी होनी चाहिए, ऋतुराज गायकवाड़, कोनवे, उथप्पा, धोनी, रायडू, जडेजा, प्रिटोरियस के साथ में पथिराना, सिमरजीत सिंह, मुकेश चौधरी और तीक्ष्णा, ये मेरी प्लेइंग 11 है। तो आपका मेरे इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है, क्या आपको लगता है वास्तव में कि सेंटनर को बाहर निकाल कर पथिराना को खिला लेना चाहिए, क्योंकि सेंटनर का क्या खेलना आपको सही जायज लग रहा है? पिछले मुकाबले में भी सेंटनर ने कोई ज्यादा करिश्मा बेहतर नहीं किया था, रन बहुत दे रहे हैं, तो क्या पथिराना, देखिए पथिराना को मारना भी बहुत आसान नहीं होगा, जो 155 की रफ्तार से गेंदबाजी करता है उसको पीटना भी बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता है, तो यहां पर रन भी बचाएंगे पथिराना आपके लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पथिराना का रहना बहुत जरूरी है। तो आप इस प्लेइंग 11 पर क्या कहते हैं कमेंट करके फटाफट बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर आऊं आपको मेरी जानकारी मिल जाए। थैंक यू।